एकदम ध्यान से देखने वाली चीज जो है अब चालू होता है। ये फोटो लगा के आपको दिखा देते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि ये वाला जो लाइट बोर्ड है एलईडी सैंडविच, इसको कैसे बनाए थे पूरी तरह से मैनुअल हाथ से। तो आज हम बनाने वाले हैं, इसमें जो हम सीट यूज किए थे एलजीपी सीट, अगर आप नहीं देखे तो वीडियो को देख लीजिएगा। तो बहुत लोगों का डिमांड था कि एलजीपी सीट कहाँ मिलेगा, मतलब सब जगह अवेलेबल नहीं है, जिसमें आपको एलजीपी सीट भी नहीं लगाना और इसी तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा और इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे अपना प्रिंट है, प्रिंट को पहले हम कट कर लेते हैं। बहुत सारा प्रिंट है, छोटा साइज ही बना करके आपको दिखाएंगे और पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा और अपने चैनल पर इसी तरीके का सारा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। इसको हम पहले नापी से काट लेते हैं, ठीक है। सब्जी वाला को बनाते हैं, एक एक करके प्रिंट भी इसमें आप इजीली चेंज कर पाएंगे, जब आप चाहें तब आप प्रिंट भी आप इसमें चेंज कर पाएंगे, ऐसा हम बना करके भी आपको दिखाने वाले हैं। तो ये हो गया अपना प्रिंट का साइज, काफ़ी छोटा सा है। तो पहले हम इसका नाप ले लेते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। ये देखिए, तो प्रिंट का नापी से हम एक्रेलिक 3 mm वाला जो है 2-2 इंच एक्स्ट्रा काट लिए, मतलब 1 इंच इधर एक्स्ट्रा, 1 इंच इधर, 1 इंच इधर, 1 इंच इधर, ठीक है। तो ये अब अपना 5 mm का भी सीट को हम काट रहे हैं ब्लेड से। अपने पास में लेजर मशीन भी है, लेकिन बहुत लोगों के पास में लेजर मशीन नहीं है और वो भी काम करना चाहते हैं, इसलिए हम ये हाथ से काट करके दिखा रहे हैं। बाकी आपके पास में लेजर मशीन है तो सेम प्रोसेस आप लेजर के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम हाथ से कटिंग करके आपको दिखा देते हैं पूरी तरीके से मैनुअल। देखिए ब्लेड का कमाल, 5 mm का एक्रेलिक है, देखिए कितना मोटा एक्रेलिक है, देख रहे ना, 5 mm का एक्रेलिक है। ये देखिए कट गया। अब जो है एकदम ध्यान से देखने वाली चीज जो है अब चालू होता है। इसको सब तरफ से बराबर छोड़ देंगे, ठीक है, एक एक इंच सब तरफ से छोड़ दिए। अब हम इसमें मार्क कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये रहा, अब बारी आता है अपना ये ग्राइंडर मशीन का। इसको तब यूज कीजिएगा तो बहुत ही सावधानी से। तो ये अपना यहाँ पे ग्रुप कटिंग हो गया है, किस लिए वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं क्या हाल हो गया, अपना पुराना दिन याद आ गया, पहले इसी तरीके से पूरा ग्राइंडर मशीन और ब्लेड वगैरह से काम करते थे अपना। तो फिलहाल अब ये कटिंग हो चुका है, इसको थोड़ा सा ब्लेड से इस तरीके से हल्का सा स्क्रेच कर देंगे तो बाबरी जो होगा हट जाएगा और शाइनिंग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ये देख रहे ना, इस तरीके से जब हल्का हल्का रगड़ेंगे ना यहाँ पे शाइनिंग आ जाएगा, ठीक है। ये अपना हो गया, और दूसरा चीज एक और है, इसको भी रेडी कर लेते हैं क्योंकि इस पर पेंट का काम है, सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल इसको साफ कर लेते हैं। तो भैया लाइक तो बनता है ना, इतना मेहनत कर रहे हैं इसके लिए लाइक बनता है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बनता है। तो ये देखिए अब दूसरा प्रोसेस, एक तो इतना स्पीड में काम कर रहे हैं इसके लिए कमेंट बनता है ना, ठीक है। बस आप ध्यान से देखते जाइए और आपको कुछ नहीं करना है,
कैसे कैसे कर रहे वो देखिए आप। और बहुत जल्द हाथ से कटिंग का वीडियो भी लाएंगे, हाथ से पूरा कटिंग करके और 3D लेटर बना करके सारा चीज़ आपको दिखाएंगे, बहुत जल्द वो वीडियो हम लाने वाले हैं। तो वीडियो देखने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। इसको हम यहाँ से कर लेंगे कटिंग। कटिंग कहाँ से करना है ये देखिए, इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब ले लेंगे अंदर वाली लाइनिंग को कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया अपना। अब इसको हम हटा लेंगे। इसके बाद में अब लेंगे स्प्रे पेंट। ठीक ठाक है। अब इसके ऊपर में ब्लैक स्प्रे कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब इसको रख देते पंखे के पास में सूखने के लिए। अब बारी आता है LED का, तो यहाँ पे LED सोल्डिंग कर लेते हैं। और आपको अगर LED चाहिए थोक में तो एक बारी ये वाला जो नंबर शो हो रहा है इस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पे ये LED स्ट्रिप लाइट, ये सोल्डिंग, बहुत लोग ना कॉल करते हैं कि ये सारा छोटा मोटा आइटम दे दीजिए, तो अपने पास में नहीं हो पाता है। तो ये जो नंबर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ये कटर वगैरह जितना भी टूल्स है आपका, लगभग छोटा मोटा टूल्स, वो सारा टूल्स आपको या फिर LED मॉड्यूल सारा चीज़ मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हो गया सोल्डिंग, तो ये अपना सोल्डिंग हो चुका है। अब बारी आता है, क्या बारी आता है, ठीक है, इसको सफाई कर लेना है पूरे अच्छी तरीके से। जरा सा भी फाइबर का जो है ना ये नहीं रहना चाहिए बाबरी। और इसको उखाड़ते हैं जल्दी से। और ये है अपना डॉटेड विनाइल, ठीक है, ये डॉटेड विनाइल को इसके ऊपर पेस्ट कर देते, देखिए कैसा रहता है ये डॉटेड विनाइल। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसमें डॉट का पैटर्न बना हुआ रहता है, इसको हम यहाँ पे चिपका लेंगे। बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, यूज नहीं है इसका। ये डॉटेड विनाइल आपको कोई भी विनाइल दुकान में मिल जाएगा इजीली, ठीक है। इसको हटाते हैं साइड में, कहाँ गया भाई, अगर आपके पास में डॉटेड विनाइल भी नहीं मिलता है ना तो भी एक बार कमेंट कर दीजिएगा, कोई दूसरा उपाय बता देंगे, उससे भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक वीडियो और आपको देखने को मिलेगा। फिर इसको चिपका लेते हैं कहाँ इस, चला गया। अब दिखेगा आपको कमाल, इसको काट देते यहां से। हो गया, ऑन करें, ये देखिए। अब इसका पेपर को हम हटाएंगे, अभी नहीं दिखाएंगे, पूरा कंप्लीट करके ही दिखाएंगे, नहीं तो आप आधा वीडियो देख के भाग लीजिएगा, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं,
तो अभी यहाँ पे हम हॉल कर लेते हैं स्टार्ट लगाने के लिए। देख रहे सोल्डिंग आयरन से। अपने पास में ड्रिल बिट है नहीं, होगा लेकिन आज सब लड़का लोग छुट्टी में है, कहाँ रखा हो इन लोगों को पता होगा, तो सोल्डिंग आयरन से ही अपना हॉल कर लेते हैं, काम चला लेते किसी तरह से। हो जा भाई, दो पीस हो गया, दो और बाकी है, ये भी हो गया। देख रहे ना सोल्डिंग आयरन गर्म रहता है ना, पूरा अच्छे तरीके से हॉल होता है, एक्रेलिक क्रैक होने का डर भी नहीं रहता है। तो इस तरीके से कोई सा भी एक्रेलिक को आप हॉल कर सकते हैं। तो अब बारी आता है आपको फाइनल रिजल्ट दिखाने का। तो यहाँ पे रख लिए प्रिंट, ठीक है। अब यहाँ पीछे से इसका पेपर को हटा लेते, पहले पहले अंदर लटा लेते हैं, ये हट गया, ये भी हट गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये लग जाएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे। अब यहाँ पे हम स्टड लगा देंगे कुछ इस तरीके से चारों कोने पे, जिससे ये इंस्टॉल हो जाएगा और दूसरी चीज लुक भी बहुत अच्छा आ जाएगा। ये हुआ, अब दे देते हैं इसमें लाइट, और अब आपको इसका फ्रंट का पेपर हटा करके फाइनल रिजल्ट आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं क्या कमाल का लुक आ रहा है, देख रहे ना। तो इस तरीके से आप इसमें फोटो भी चेंज कर सकते हैं। इसको सिंपल खोलना है आपको इस तरीके से, एक बार खोल करके आपको दिखा भी देते हैं, पोस्टर हटा करके नया लगा करके दिखा देते हैं। ये चारों को खोलना है, ये देखिए ये हुआ ना। और यहाँ पे ये फोटो लगा के आपको दिखा देते हैं, ये देखिए फोटो का साइज थोड़ा छोटा है, बाकी बात देखिए लुक कितना जबरदस्त आ रहा है। और यहाँ देखिए हरी भरी साग सब्जी, ये देखिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत वीडियो भी दिखाना बाकी है। तो मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नए वीडियो के साथ में, जब तक के लिए टेक केयर है।